हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ब्यूटीफुल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का रिव्यू। ये मैंने मंगवाई है मीशो से। दोनों ही मैंने जो मैंने एक्चुअली 3 पेयर्स हैं मेरे पास में, और ये मैंने सारी ज्वेलरी जो है मीशो से मंगवाई है। कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, साथ में स्क्रीन पर मैंशन कर दूंगी, और पिक्चर भी मैं साइड में लगाती रहूंगी जैसे जैसे मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने इयरिंग सेट के कॉम्बो मंगवाया, मतलब इयरिंग मंगवाए हैं, कॉम्बो सेट में थे वो, दो इयरिंग के पेयर्स थे उसमें। तो दोनों मैंने ओपन करके रख लिए हैं, और दोनों की जो प्राइस वाइज बताऊँ तो ये 179 रुपीज़ एंड 180 रुपीज़ में 2 पेयर पड़ते हैं आपको। लेकिन आप अगर ऑफर्स में जाते हैं तो आपको मे बी आपको 130 या 140 में भी पड़ जाएंगे। लेकिन मैंने ये ऑफर्स में नहीं मंगवाए हैं, मैंने ये कैश ऑन डिलीवरी पे और बिना ऑफर में वाला जो ऑप्शन था वो मैंने सेलेक्ट किया था। तो ये जो दो हैं इयरिंग्स, ये दो इयरिंग्स के सेट मंगवाए हैं मैंने। दोनों की क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी। सबसे पहले मैं इसको दिखाऊंगी आपको कि ये किस तरह की है। ये इस तरह का झुमका है, और ऊपर जो है इसमें इतना अच्छा सा फ्लावर सा बना हुआ है, और नीचे जो है इसमें पर्ल्स की लटकन लगी हुई है। झुमका जो है काफ़ी बड़ा है, मतलब इतना बड़ा झुमका है ये, और बिल्कुल यहाँ तक आता है। तो ये झुमके की क्वालिटी है। ओपन करके दिखा देती हूँ, पीछे से इस तरह से है ये, और वियर करने के बाद में कैसा लगने वाला है ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो झुमका है आप अगर सेपरेटली लेते हैं तो इनको ये आपको 150 में पड़ते हैं, लेकिन मैंने कॉम्बो मंगवाए हैं तो कॉम्बो में मुझे ये 75 या 80 में पड़ गए, क्योंकि मैंने दो मंगवाए हैं ये, और दूसरा जो है वो इस तरह का है, मिरर वर्क में है ये। और जो ये ज्वेलरी है, ज़्यादातर मेरा फोकस मिरर वर्क पर ही रहा था। ये इस तरह का है, और वियर करके मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह का है ये सेट। वियर करने के बाद में ये कुछ इस तरह का लगने वाला है। और झुमका जो है, ये जो इयररिंग है काफ़ी बड़े बड़े हैं, मतलब आपकी नेक तक टच करते हैं, मतलब शोल्डर तक टच करते हैं ये, और देखने में ये कुछ इस तरह के लग रहे हैं। मुझे झुमका काफ़ी अच्छे लगे हैं, सॉरी ये इयररिंग्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं, और जो झुमका है वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं, और उन्हीं की वजह से एक्चुअली मैंने ये मंगवाए थे, क्योंकि मुझे वो वाले ये वाले झुमके चाहिए थे, और ये इसके साथ में कॉम्बो में थे, लेकिन मुझे अब ये भी अच्छे लग रहे हैं। ये वाले मैं आपको वियर करके दिखा देती हूँ। तो ये इस तरह के हैं झुमके जो हैं, इस तरह के हैं। और जो अगली ज्वेलरी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पैकिंग की बात करूँ तो ये पैकिंग इनकी कुछ खास अच्छी नहीं आई थी, ये इस तरह के डब्बे में। इनके साथ में मुझे कोई बॉक्स नहीं मिला है प्लास्टिक का, इस तरह के डब्बे में मुझे मिले थे ये, और पैकिंग मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। लेकिन प्रोडक्ट जो है वो मुझे ठीक ठाक रिसीव हो गया, कोई डैमेज नहीं था, तो इसलिए मैंने रख लिया। और जो दूसरा वाला है वो भी, उसमें भी मुझे कोई बॉक्स नहीं मिला है, मतलब मीशो वालों ने मुझे किसी भी ज्वेलरी में कोई बॉक्स नहीं दिया है, और जबकि मैंने महंगे वाला जो ऑप्शन था वो वाला सेलेक्ट किया था कि जिससे कि इसमें बॉक्स आ जाए, लेकिन बॉक्स मुझे किसी में भी रिसीव नहीं हुआ। ये वाला है जो दूसरा जो ये एक मिरर वर्क का नेकलेस सेट है, ये आपने देखा होगा बहुत बार, लेकिन मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने इसको अब मंगा लिया है। तो ये इस तरह का है, और ये इस तरह से मुझे रिसीव हुआ है, ऐसे अच्छे मतलब पैक करके भेजा है इन्होंने। बिल्कुल पैकिंग जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है सी। इस तरह की ये ज्वेलरी है। ये जो नेकलेस सेट है मैं काफ़ी टाइम से मंगाना चाह रही थी, तो ये मैंने मंगा लिया है, और ये ना वियर करने के बाद में कुछ इस तरह का लगेगा। मैं इसको वियर करके आपको ज़रूर दिखाऊंगी, पहले मैं इसके इयररिंग्स आपको दिखा देती हूँ। नेकलेस मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, और इसमें मुझे कोई डैमेज नहीं मिला है, लेकिन मुझे इनकी पैकिंग जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मतलब दोनों ही जो मैंने इयररिंग सेट मंगवाए हैं उनकी भी मुझे पैकिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और इसकी भी मुझे पैकिंग जो है इसी तरह से इन्होंने कागज़ में लपेट कर दे दिया है, तो मुझे काफ़ी बहुत बुरा लगा है इसको देख करके। और जो ये इयररिंग्स हैं, ये इस तरह की इयररिंग्स हैं। इयररिंग्स की बात करूँ तो इयररिंग्स मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए हैं, लेकिन वियरेबल हैं, आप वियर कर सकते हैं इनको। तो मैं इनको एक बार पहन के और दिखा देती हूँ आपको। और कोड जो है इनका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन पर मैं मेंशन कर दूंगी। ये 150 के अराउंड आपको पड़ेगा, और आप ऑफर्स में जाते हैं तो आपको 100 में भी मिल सकता है दोस्तों। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने तो महंगा ले लिया या सस्ता ले लिया। इसके जो प्राइस है ना, वो अलग अलग जगह पर आप देखोगे अलग अलग ही मिलते हैं। मीशो पर भी इसके डिफरेंट डिफरेंट जो है प्राइस हैं।
वियर करने के बाद में ये कुछ इस तरह का लगने वाला है। सेट काफ़ी अच्छा है, फिनिशिंग इसकी काफ़ी अच्छी है। जो मिरर है काफ़ी अच्छे से लगाए हुए हैं, एक भी मिरर इसमें से निकला हुआ नहीं आया है। वैसे इसमें एक एक्स्ट्रा में भी आया है, अगर निकल जाएगा तो आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये वाला मुझे मिला है। तो ये मेरी शॉपिंग थी मतलब ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की। आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो लिंक या सॉरी कोड के थ्रू आप जा सकते हैं और आप मंगा सकते हैं। बिल्कुल अफोर्डेबल ये ज्वेलरी है, तीनों की तीनों मुझे बड़ी अफोर्डेबल मुझे पड़ गई हैं ज्वेलरीज जो हैं, और तीनों ही ज्वेलरी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। ये मेरा वीडियो था ऑक्सीडाइज ज्वेलरी को लेकर के। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना, और मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू सून।